Download Tarang online radio app from Google Play Store. आप सुन रहे हैं तरंग डिवोशनल, आध्यात्म से जुड़े। देवी और सज्जनों, अब मंच पर स्वागत कीजिए ऑनरेबल डिप्टी सीएम जीएनसीटीडी श्री मनीष सिसोदिया जी का। मंच पर आसीन माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आदरणीय सतपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और राजीव जी, यहाँ पर उपस्थित सभी दिल्ली के अधिकारीगण, हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, विधायक साथी, नगर निगम सांसद और तमाम दिल्ली के तमाम निवासी, हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज हम नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत उसकी सहायक नदी यमुना को साफ करने के क्रम में दिल्ली के बारे में भी कई योजनाओं पर आज शुरुआत कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। और मैं इसके लिए पूरी टीम, जो मैं कह सकता हूँ कि नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में लगी हुई है, जिसमें हमारे भी दिल्ली जल बोर्ड के कर्ता धर्ता सब लोग इसमें शामिल रहते हैं, सब लोग लगे हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। जैसा सतपाल जी ने कहा कि देश की नदी गंगा, गंगा देश की पहचान है, गंगा हमारे जीवनधारा है, लेकिन गंगा को साफ़ करना है तो यमुना को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, और यमुना को साफ़ करना है तो दिल्ली के नदी नाले गलियारों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। उस क्रम में आज कई प्रोजेक्ट्स पे यहाँ काम की बात हो रही है, काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए मैं नितिन गडकरी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को, नमामि गंगे को, एक मूल, उसके मूल को पकड़ने की कोशिश की कि जब तक सहायक नदियाँ और सहायक नदियों में गिरने वाले जो नाले हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसको साफ़ नहीं किया जाएगा तब तक उस तक नहीं बढ़ेगा। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इन सारे प्रोजेक्ट से हमें बहुत अच्छा नज़ारा यमुना में देखने को मिलेगा, यमुना का पानी साफ देखने को मिलेगा, और कभी हम यमुना के किनारे घूमने जाएं, कभी हम यमुना के किसी ब्रिज से निकलें तो वहाँ साफ़ सुथरा पानी देखने को मिलेगा, और यही हमारी मनोकामना भी है और शुभकामना भी है। यहाँ जितने सभी लोग आए हैं, एक सपना है, उस सपने को सच करने के लिए बस मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जितना प्रैक्टिकल इन सारे प्रोजेक्ट्स को और स्पीड से किया जा सके, और प्रैक्टिकल रूप में कि जितने ड्रेनेज सिस्टम आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में ही हम कुछ साफ़ कर लेंगे खाली उससे काम नहीं चलेगा, हमारे ऐसे नाले बहुत हैं जो हरियाणा से दिल्ली होते हुए यमुना तक आ रहे हैं, तो हरियाणा से सीवेज लेके फरीदाबाद या गुड़गांव से वो सीवेज लेके और पूरी दिल्ली का सीवेज लेके अगर वो आके यहाँ गिरता है और हम खाली दिल्ली में साफ़ कर देंगे उससे काम चलेगा नहीं, उसको हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख के, जैसा आपने नमामि गंगे को यमुना और यमुना को ड्रेनेज तक जोड़ा, तो उस ड्रेनेज को हमें हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ हरियाणा से भी टच करना पड़ेगा, तभी हो सकेगा, उसको और मूर्त रूप में पहनाया जा सकेगा। मैं एक बार फिर से
यहाँ निमंत्रित करने के लिए और सम्मान के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने यहाँ बुलाया और इस सम्मान में शामिल किया। थैंक यू वेरी मच। यमुना हम सबके लिए शब्द नहीं श्रद्धा है। स्वच्छ यमुना मिशन कार्य नहीं सेवा है। ये यमुना को स्वच्छ रखने की हमारी भीष्म संकल्प की उद्घोषणा है। आइए देखते हैं एक फिल्म, प्रस्तुत है यमुना रिजुविनेशन प्रोजेक्ट पर एक शॉर्ट मूवी। गंगा में मिलने वाली नदियों में से यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली यमुना का 1370 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद प्रयागराज में गंगा से संगम होता है। अपनी इस यात्रा में यमुना देश की राजधानी दिल्ली से गुजरती है, जहां लगभग 2 करोड़ लोग इस पर आश्रित हैं। यहां प्रतिदिन 327 करोड़ लीटर सीवेज जनरेट होता है, जिसमें से 276 करोड़ लीटर सीवेज का प्रतिदिन ट्रीटमेंट किया जाता है। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत जब गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए समग्र योजना बनाई गई, तो उसमें यमुना के स्वच्छता की आवश्यकता को भी प्राथमिकता दी गई और दिल्ली जल बोर्ड के साथ मिलकर यमुना की निर्मलता के लिए सीवरेज प्रबंधन का विस्तृत रोड मैप तैयार किया गया। इसके अंतर्गत दिल्ली को 12 ड्रेनेज जोन्स में बांटा गया है। इनमें ओखला, रिठाला, शाहदरा और नजफगढ़ प्रमुख हैं। ओखला जोन में 6 एसटीपी हैं, जिनमें से फेज 5 और 6 के 7 करोड़ लीटर प्रतिदिन और 14 करोड़ लीटर प्रतिदिन के 2 एसटीपी काम कर रहे हैं। यहां नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत फेज 1, 2, 3 और फेज 4 के पुराने एसटीपी की जगह 56 करोड़ लीटर प्रतिदिन की क्षमता के नए एसटीपी का निर्माण किया जाएगा। शाहदरा जोन के कोंडली में फेज 4 का 20 करोड़ लीटर प्रतिदिन का एसटीपी कार्यरत है। यहां नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत फेज 1, 2 और 3 में 20 करोड़ लीटर प्रतिदिन के 3 नए एसटीपी का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा K4 में राइजिंग मेन का रिहैबिलिटेशन और साथ ही K1 के सीवर नंबर 4, K2 के सीवर नंबर 5 में ट्रंक सीवर का रिहैबिलिटेशन भी किया जा रहा है। ड्रेनेज जोन रिठाला में 18 करोड़ लीटर प्रतिदिन के एसटीपी का रिहैबिलिटेशन और अपग्रेडेशन किया जाएगा और साथ ही वहां R1A में ट्रंक सीवर का और R1B में राइजिंग मेन का रिहैबिलिटेशन भी किया जा रहा है। आज 1656 करोड़ की लागत की इन सभी परियोजनाओं के साथ 65.24 करोड़ की लागत से स्वीकृत छतरपुर में 2 करोड़ लीटर प्रतिदिन के 9 डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपी के निर्माण की परियोजना का भी माननीय केंद्रीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त यमुना प्रदूषण को कम करने के लिए नमामि गंगे के सहयोग से कोरोनेशन पिलर में 32 करोड़ लीटर प्रतिदिन का एसटीपी और पेरिफेरल सीवर का रिहैबिलिटेशन का कार्य, नए एसटीपी का निर्माण और नजफगढ़ ड्रेन के कमांड एरिया में एसटीपी का निर्माण प्रमुख हैं। दिल्ली में यमुना की सतह की सफाई के लिए ट्रैश स्किमर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यमुना नदी की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे के अंतर्गत अन्य राज्यों में भी कई परियोजनाओं के द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। इनमें हिमाचल प्रदेश में पौंटा साहिब, हरियाणा में सोनीपत एवं पानीपत तथा उत्तर प्रदेश में मथुरा, वृंदावन, आगरा और प्रयागराज में सीवरेज प्रबंधन की परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। दिल्ली के बेहतर भविष्य और यमुना की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे अभियान एवं दिल्ली सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे साझा प्रयासों से भविष्य में यमुना भी अवश्य ही अविरल और निर्मल बहेगी। यहाँ पर उपस्थित दर्शकों को संबोधित करने के लिए अब मैं मंच पर अभिनंदन कीजिए डॉक्टर हर्ष वर्धन, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस। आज के कार्यक्रम के आयोजक और मुख्य अतिथि भारत सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी
और देश के महत्वपूर्ण मंत्रालय बहुत ही कामयाबी से जो चला रहे हैं, ऐसे हमारे भाई नितिन गडकरी जी, भारत सरकार में ही मेरे सहयोगी डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री भाई अरविंद केजरीवाल जी, उनके सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्रीमान मनीष सिसोदिया जी, और हमारे गंगा नमामि गंगे के डायरेक्टर जनरल साहब, यहाँ उपस्थित सभी मेरे पार्लियामेंट के साथी डॉक्टर उदित राज जी और भाई रमेश विधूड़ी जी, दिल्ली विधानसभा में हमारे विपक्ष के नेता भाई विजेंद्र गुप्ता जी, सभी विधायकगण, निगम पार्षद और सभी वरिष्ठ अधिकारी, दिल्ली के सभी प्रबुद्ध नागरिक और यहाँ उपस्थित मीडिया के मित्रों, दोस्तों, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है और दिल्ली को लगभग 6 दशक से बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। यहाँ जो राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं उनको भी बहुत नज़दीक से, यहाँ जो विकास के कार्य होते हैं उनको भी बहुत नज़दीक से। अभी अक्टूबर में मैंने अपने राजनीतिक जीवन का भी लगभग 25 साल पूरा किया, 1993 से लेकर 2018 के बीच का। मैं अभी बैठे बैठे लिख रहा था कि क्या कभी इस स्तर का डेवलपमेंट किसी भी केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री की सहायता से दिल्ली के लिए आज तक हुआ है। तो मुझे कम से कम अपनी स्मरण शक्ति से ऐसा कभी ध्यान नहीं आया कि एक मंत्री ने एक मंत्रालय के माध्यम से, अभी केवल रोड के ही प्रोजेक्ट्स लिख रहा था तो 46,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स खाली दिल्ली को बेनिफिट करने वाले। सुनने में शायद अविश्वसनीय लगता होगा, राजनीतिक मंच से कही भी बात कभी कभी ऐसे लगता है कि सिर्फ कहने के लिए कह दी गई है, लेकिन इसलिए पेन से मैंने लिखा भी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो 135 किलोमीटर का है उसके ऊपर 10,000 करोड़, द्वारका एक्सप्रेसवे पर जो कि लगभग 28 किलोमीटर का है 6,000 करोड़, अक्षरधाम लोनी बागपत का जो एक्सप्रेसवे है 150 किलोमीटर का उस पर 10,000 करोड़, दिल्ली मेरठ का जो एक्सप्रेसवे है 90 किलोमीटर का उस पर 7,000 करोड़, यूईआर फेज़ टू के ऊपर 4,000 करोड़, मुकारबा चौक से पानीपत का 2300 करोड़, और धौलाकुआं एयरपोर्ट जो कॉरिडोर बनने जा रहा है वो 280 करोड़, और फिर कालिंदी कुंज फरीदाबाद वल्लभगढ़ सोना ये लगभग 60 किलोमीटर, ये 4,000 करोड़, इसका टोटल किया तो ये 46,000 करोड़ के जो है केवल सड़क से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स। ये मैं यहाँ पर कोई केंद्रीय मंत्री की तरह नहीं आया, लेकिन मैं यहाँ पे दिल्ली वासी के नाते नितिन गडकरी जी को सार्वजनिक तौर पर धन्यवाद करने के लिए आया हूँ, बधाई देने के लिए आया हूँ, उनका अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। और इससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की भी है कि वैसे तो बड़ा मुश्किल होता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कभी केंद्र सरकार की तारीफ कर दें, लेकिन आज वो सार्वजनिक तौर पर आए हैं, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का भी मैं हृदय से उनका दोनों अपने सरकार के साथियों का उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। और इस विश्वास के साथ कि जिस पवित्र काम का आज यहां शिलान्यास हो रहा है, फाउंडेशन स्टोन्स ले डाउन हो रहे हैं नितिन जी के नेतृत्व में, और दिल्ली सरकार दोनों सरकारें मिलकर जिस काम को करने वाली हैं, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये किसी भी प्रकार की राजनीति के शिकार ना हो, क्योंकि गंगा से जुड़ा हुआ काम, यमुना से जुड़ा हुआ काम, ये सबसे ज़्यादा पवित्र काम है, ये एक प्रकार से ईश्वरीय कार्य है, ये हमारा राष्ट्र धर्म है, ये हमारा सामाजिक धर्म है, ये हमारा हर दृष्टि से जो है कर्तव्य है कि इन कामों को हम पूरे मनोयोग से करें, पूरे हृदय से, मन से, आत्मा लगा के करें।
दिल्ली में 1993 में हमने राजनीति शुरू की, तब से यमुना एक्शन प्लान का पहला फेज़ भी देखा, दूसरा फेज़ भी देखा। उनके ऊपर 1600 करोड़ रुपए पिछले 20 सालों में खर्च हो गए, लेकिन यमुना के अंदर जो है कोई हमें किसी तरह का बदलाव कम से कम नज़र नहीं आया। और आज भी जो फाउंडेशन स्टोन्स वगैरह ले डाउन हो रहे हैं, ये भी मैंने जोड़ा तो लिखा है करीब 2200 ये करीब 2200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी शुरुआत आज नितिन जी और जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली जल बोर्ड मिलके करने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये यमुना जो हम सब के लिए बहुत ही, दिल्ली वाले लोगों के लिए और ख़ासकर दिल्ली के अंदर जो राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो उसको और ज़्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि रोज़ उसके कारण हम लोगों को सबको दिल्ली के लोगों से उलाहना भी सुनना पड़ता है कि ये जो 1365 किलोमीटर लंबी यमुना में सिर्फ ये 22 किलोमीटर की हमारी दिल्ली की यमुना जो है ये 80% जो है ये पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रही है। मुझे लगता है कि जहाँ ये सारे प्रोजेक्ट्स को हम और गहराई से आने वाले वर्षों में इम्प्लीमेंट करें, इसके साथ साथ सब प्रकार की राजनीति से उठकर सब प्रकार के दलों को, सभी सामाजिक संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, सबको हमको मिलकर एक बड़ा वृहद आंदोलन भी यमुना को बचाने के लिए खड़ा करना चाहिए, क्योंकि खाली सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स और दूसरी चीज़ें खड़ी करने से यमुना शायद उस दशा में नहीं आएगी जो हमारा सबका सपना है। तो आज लोग बहुत जोश में हैं, सब लोग जोश में जो है कोई ना कोई अपने लिए सपना भी जो है विकसित कर सकते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जहाँ ये जो प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, इसके साथ साथ हमारी जो अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, इसके माध्यम से भी हम इस नमामि गंगा प्रोग्राम में, यमुना के प्रोजेक्ट्स में बहुत तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा गंगा का, जहाँ से गंगोत्री से लेकर और गंगा सागर तक जो इसका पूरा बेसिन है, इसका पूरा हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सर्वे ऑफ इंडिया है, वो यमुना के दोनों तरफ का जो 25 किलोमीटर एरिया है, इसका पूरा डिटेल्ड सर्वे, जिसमें 5 किलोमीटर पहला जो है उसका हाई रेजोल्यूशन सर्वे, ताकि उसको जो नितिन गडकरी जी की योजनाएं हैं उनको कैसे और गहराई गंभीरता से डेवलपमेंट की दृष्टि से उनको लागू किया जा सकता है, सफलतापूर्वक वो सपोर्ट कर रहा है। इसी प्रकार से अभी हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के यूँ तो आज की तारीख में करीब 36 गंगा के ऊपर और यमुना के ऊपर 2 मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, बट दे आर ऑल मैनुअल। इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के माध्यम से हम अमेरिका की और इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ मिलकर, 20 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मिलकर इंटेल के साथ हम रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें 50% हमारा रिसर्च कंप्लीट हो चुका है, 1.5 साल का 3 साल में पूरा होगा, जिसमें हम ऐसे लो कॉस्ट और लो पावर ऑटोमेटेड, जिसे कहते हैं ऑटोनॉमस वर्किंग वाले ऐसे सेंसर्स, जिनको कि हम डेवलप कर रहे हैं जो हज़ारों की तादाद के अंदर, ये जो अभी मैनुअल मॉनिटरिंग होती है इसमें बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन ऐसे सेंसर्स जो कि पूरी गंगा के अंदर जो है डाले जा सकेंगे और उसमें जो है उसकी जो वाटर क्वालिटी है उसके बारे में सीधे सीधे हमको सब तरह की जानकारियां जो है हर समय मिलती रहेंगी, जिसके आधार पर सारी स्ट्रैटेजीज इत्यादि प्लान हो सकेंगी। इसके अलावा करीब 7 जो है वाटर इनोवेशन सेंटर्स हमने देश की प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशंस में एस्टैब्लिश किए हैं, जिसपे वाटर से जुड़े हुए, इससे भी जुड़े हुए जितने विषय हैं उन पर बहुत एडवांस्ड रिसर्च हो रही है। और आप सब लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, क्योंकि दिल्ली वाले हो, ये बारापुला का जो ड्रेन है इस पर आप जाकर देखिए, हमारे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने और मुंबई का जो हमारा केमिकल नेशनल केमिकल लेबॉरेटरी है उसने मिलकर और साथ में नीदरलैंड्स के साथ मिलकर हमने वहाँ पर ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करके सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किया, जिसमें अभी पायलट प्रोजेक्ट में ही 1000 लीटर रोज़ स्वच्छ पानी हम उस गंदे बारापुला ड्रेन के पानी से बना रहे हैं। 6 महीने के अंदर वहाँ पर 1,00,000 लीटर पानी जो है रोज़ हम जो है उस गंदे पानी से कन्वर्ट करने की स्थिति में आएंगे, और इसी 6 महीने के अंदर वहाँ के सीवेज से हम जो है बायोफ्यूल बनाने की स्थिति में आएंगे। तो हम अपनी साइंस मिनिस्ट्री के माध्यम से
भी नितिन जी का जो संकल्प है उसको पूरा बैकअप दे रहे हैं, और मैं आज के इस अवसर पर उन्हें बधाई देते हुए इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी साइंस मिनिस्ट्री, पूरी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे सामर्थ्य के साथ उनके प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कराने में सहयोग करेगी। और हम वो दिन देखना चाहते हैं कि जब हमारा ये जो गंगा है और हमारी ये जो यमुना है, ये किस प्रकार से पवित्र हमें नज़र आएगी, किस प्रकार से अविरल नज़र आएगी, किस प्रकार से हम सबको जो है दोबारा से ऐसा मन करेगा कि ये हमारी पवित्र नदी जो है, इसको हमने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से पुनर इसकी जो सात्विकता है उसको एस्टैब्लिश कर दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हृदय से फिर से बधाई देता हूँ नितिन गडकरी जी को, अरविंद केजरीवाल जी को भी मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि हम दिल्ली के विकास के लिए जिस भी प्रकार का सहयोग हमारी पार्टी को भी करना होगा, हमारे लोगों को भी करना होगा, इसके अंदर किसी प्रकार की राजनीति हमारी पार्टी कम से कम नहीं करेगी, हमें इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज इंडीड एन ऑनर टू इनवाइट ऑन द डेज श्री नितिन गडकरी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज शिपिंग। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री और आज के इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, दिल्ली के आदरणीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, मेरे सहयोगी राज्य मंत्री आदरणीय सत्यपाल सिंह जी, हमारे डायरेक्टर मिश्रा जी, दिल्ली के आदरणीय सांसद उदित राज जी, परवेश वर्मा जी, रमेश विदुरी जी, दिल्ली विधानसभा के विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, उपस्थित सभी विधायकगण, दिल्ली की मेयर, दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी सम्माननीय पार्षदगण, दिल्ली के सभी उपस्थित भाई और बहनों, दिल्ली को जल प्रदूषण से और वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाना ये देश की एक सबसे बड़ी आवश्यकता है। पूरे दुनिया में जब हम जाते हैं तो कभी कभी बहुत दुख और दर्द होता है। पिछले कुछ समय में मैं लंदन में एक कार्यक्रम के निमित्त गया था तो एक परिवार के लोग मुझे मिले और उनने मुझे कहा कि हमने दिल्ली के जाने के लिए हमारे एयर टिकट्स कैंसिल किए हैं क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की लेवल बहुत ज़्यादा है, और इसलिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी और मैं दो तीन बार बैठे और मैंने डॉक्टर साहब को एक सुझाव दिया कि आपकी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की ओर से हमारी मिनिस्ट्री आपको सहयोग करेगी, दिल्ली की राज्य सरकार, दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन DDA और दिल्ली की सभी जनता के सहयोग से आप ऐसा कोई प्लान तैयार करिए कि हम दुनिया में दिल्ली को जल और वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। और मुझे लगता है कि ये काम कठिन है पर असंभव नहीं है। इसके पहले इसमें जो हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने नमामि गंगे का करीब 25,000 करोड़ के कार्यक्रम को स्वीकार किया, और इस कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि ये कार्यक्रम कैबिनेट ने अप्रूवल करने के बाद गंगा और गंगा की ट्रिब्यूटरीज और नदियाँ, उपनदियाँ, गंगा मुख्य नदी है और उसकी 40 ट्रिब्यूटरीज और उपनदियाँ और नालों को लेकर इसको पूरी तरह से जल प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का कार्यक्रम तय हुआ। इस कार्यक्रम में नमामि गंगा में टोटल 261 परियोजनाएं ली जा रही है जिसमें 136 सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। मैं इसकी चर्चा आज ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि गंगा के बारे में छपकर आता है। मैं केवल आपको इतना बताना चाहूँगा कि गंगा के जल की जो क्वालिटी है उसमें काफ़ी जगह पर अच्छा सुधार हुआ है, और अच्छा सुधार तो हुआ ही है
पर हमारे काम अभी 10-15% ही पूरे हुए हैं। इस साल मार्च तक हम 70-80% गंगा को शुद्ध करना चाहते हैं और अगले मार्च तक 100% गंगा शुद्ध होगी, ये हमारा प्रयास है। इस बात में और एक खुशी है मुझे कि मैं और एक जलमार्ग वाराणसी से हल्दिया 1680 किलोमीटर हम बना रहे हैं और इसका भी काम 4 मल्टीमोडल हब बना रहे हैं और 60 रिवर पोर्ट बन रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि इस कार्यक्रम में कुछ ही दिन पहले वाराणसी के मल्टीमोडल हब जहां नेशनल हाईवे है, जलमार्ग है और रेलवे है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ और इस साल 80 लाख टन माल का ट्रांसपोर्ट गंगा में होगा और अगले साल 280 लाख टन का होगा और ये उत्तर प्रदेश के आम हो, शक्कर हो, अब बांग्लादेश तक यहाँ से जा सकेगी और इसकी शुरुआत हुई है। जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने मुझे अनुरोध किया कि ये प्रोग्राम केवल वाराणसी से हल्दिया तक था तो वाराणसी से प्रयागराज यानी इलाहाबाद तक भी कहा कि ये करिए, तो ये मैंने उनको कहा कि कठिन है, ये संभव नहीं है, पर उन्होंने बहुत आग्रह किया तो हमने इस काम को भी किया। इलाहाबाद में हमने यमुना पर 4 रिवर पोर्ट बना लिए और 1 मीटर का ड्रेजिंग किया और कल मुरारी बापू अपना जहाज लेकर पूरे भक्तों के साथ वाराणसी से प्रयागराज पहुँचे और अब बड़े प्रमाण पर वाटर ट्रांसपोर्ट प्रयागराज और वाराणसी के बीच में हुआ है। हमने एक रशियन कंपनी को लाने की कोशिश की, जब फाइनलाइज हुआ है तो हम ऐसी एयरबोट ला रहे हैं जिसमें 14 लोग बैठेंगे, 2 लोग चलाने वाले होंगे, उसका इंजन ऑटोमोबाइल का होगा और पंखे एविएशन के होंगे प्रॉपलर, और इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की रहेगी, 80 किलोमीटर पर आवर, और इसमें से 10 सेंटीमीटर ड्राफ्ट पर ये चल सकेगी। तो 26 जनवरी के पहले हम लोग प्रयागराज टू वाराणसी ये सर्विस शुरू कर रहे हैं और ये 130 किलोमीटर का डिस्टेंस ये मेरे अंदाज से करीब 1.5-2 घंटे में होगा। तो इसके साथ साथ मेरी इच्छा है कि हमारे दिल्ली के हमारे केंद्रीय मंत्री जितने हैं वो सब, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्रीगण, MLA और हमारे MP, मेरा एक सपना है कि जनवरी महीने में यमुना से ऐसी ही एयरबोट लाकर हम यहाँ से आगरा के ताजमहल तक जाए, ये हमारा प्रयास है। और ये अगर होगा तो विदेशों से लोग दिल्ली आएंगे, एयरपोर्ट से यमुना आएंगे और वहाँ यमुना के रिवर पोर्ट से डायरेक्ट आगरा तक जाएंगे और ये बहुत 80 किलोमीटर की स्पीड से बोट है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टूरिज्म का भी साधन होगा और आकर्षण का केंद्र होगा और ताजमहल के पीछे हमने एक उसका रिवर पोर्ट बनाने की भी योजना को मंजूरी दी है। यमुना के बारे में आज मैं ज़्यादातर वही बात बताने वाला हूँ। हमारी यमुना एक पवित्र नदी है और गंगा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है निचले हिमालय के मसूरी रेंज में यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। इलाहाबाद में गंगा के साथ इसका संगम स्थल तक यमुना की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। इसका आवाह क्षेत्र 366.2 स्क्वायर किलोमीटर है तक फैला हुआ है। ये 7 राज्यों में उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर बहती है। इसका उगम स्थल जो है उगम स्थल से ताजेवाला तक रिच वन ये 172 किलोमीटर है और मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये 6 प्रदेशों ने मिलकर हम यमुना पर 3 डैम बना रहे हैं और उसके लिए बीच में साइनिंग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे। तो यमुना का पानी 160% बढ़ने वाला है और ये भी यमुना के लिए पानी ज़्यादा आएगा, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। तो आज ये जो यमुना का पानी आने से सभी राज्यों को भी पानी मिलेगा, किसानों को भी पानी मिलेगा,
तो 172 किलोमीटर ये पहला है जो पोंटा साहिब से होकर जो बहती है। ये नदी की जल गुणवत्ता सामान्यतः स्नान योग्य और अच्छी है। जो हर्षवर्धन जी ने बात कही वो चिंता का विषय है कि 22 किलोमीटर में 80% यमुना को प्रदूषित करने का कार्य दिल्ली में होता है। और इसलिए जैसे हमने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली सब राज्य सरकारों से नमामि गंगा कार्यक्रम में उनको हमने सहयोग करने का तय किया है। और सब मिलकर हमने जो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं, ये प्रोजेक्ट करने के लिए हमने ताजेवाला के डाउनस्ट्रीम से वजीराबाद दिल्ली का अपस्ट्रीम रिच टू, ये 224 किलोमीटर है। इसमें यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आदि से घरेलू और औद्योगिक ये जो प्रदूषित जल है नदी में छोड़ा जाता है। रिच दो जो तीन जो है वो 22 किलोमीटर है, जो वजीराबाद से ओखला बैरेज आती है दिल्ली में, उसमें स्वच्छ जल नहीं है और ये भी बहुत प्रदूषित जल है। और रिच चार जो है वो 490 किलोमीटर है, जो ओखला बैराज से चंबल नदी के संगम स्थल तक, यहाँ भी जल प्रदूषण का संवहन होता है। रिच पाँच जो है वो 468 किलोमीटर है, जो इटावा का अनुप्रवाह है, वहाँ यमुना को सहायक नदियों में घुलने योग्य जल प्राप्त होता है और जिससे जल गुणवत्ता में सुधार होता है, जो उत्तर प्रदेश में है। यमुना जो एक्शन प्लान दिल्ली का जल निगम ने, दिल्ली की राज्य सरकार और भारत सरकार, हमारा गंगा का मंत्रालय, हमने मिलकर इसका जो एक्शन प्लान तैयार किया है, यमुना एक्शन प्लान 1 और 2, इसमें जायका जो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन का असिस्टेंस मिला है। उसकी सहायता से 1656 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ये यमुना एक्शन प्लान 3 शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। और यमुना एक्शन प्लान 3 के तहत 8 परियोजनाएं दिल्ली के 3 ड्रेनेज जोन कोंडली, रिठाला और ओखला में स्थित है और जिनकी कुल एसटीपी क्षमता 950 एमएलडी है। और ये भी बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसकी काफ़ी तैयारी हो गई, सब काम लगभग अवार्ड हो गए हैं और इससे निश्चित रूप से दिल्ली की जो पानी प्रदूषित हुआ है इसकी तस्वीर सुधरने वाली है। इसमें जो सैंक्शन कॉस्ट है, कोंडली में ट्रंक सीवर संख्या 4K1 का पुनर्वास, ये करीब 88 करोड़ है, इसका ऑर्डर प्रदान किया गया है, काम शुरू हुआ है। कोंडली में ट्रंक सीवर संख्या 5 का पुनर्वास K2, ये 84 करोड़ की है, इसका भी ऑर्डर दे गया है। कोंडली ये जो है ये WWTP, ये करीब 60 करोड़ की है और इसको भी हमने ऑर्डर पूरा किया है। ये पहली दो योजना 19 में पूरी होगी और ये 2020 में पूरी होगी। ये 900 मिलीमीटर का डायमीटर का DI पाइपों के प्रेशर मेन उपलब्ध कराना और बिछाना है, ये भी काम किया गया है। रिठाला में अशोक विहार और जहांगीरपुरी क्षेत्र में 600 mm से 1400 mm डायमीटर के विविध आकारों के सीवरों का पुनर्वास R1A, ये 44 करोड़ रुपए का है, इसका भी 2020 में काम पूरा होगा। रिठाला में अशोक विहार और जहांगीरपुर क्षेत्र में 600 mm से 1400 mm डायमीटर के विविध आकारों की जो पाइपलाइन है, जिसकी कीमत 46 करोड़ है, ये भी काम 2020 में पूरा होगा, जिसमें सीवरों का पुनर्वास होगा। दिल्ली में तृतीयक शोधन संयंत्र सहित मौजूदा 182 MLD रिठाला चरण 1 STP का पुनर्वास और उन्नयन और रिठाला 2 182 MLD STP, इसके लिए 212 करोड़ रुपए का प्रावधान करके काम शुरू किया गया है, 2020 में ये पूरा होगा। कोंडली चरण 1, 2 और 3 204 MLD STP, 45, 114 और 45 MLD, इस प्रकार की उसकी कैपेसिटी है, इसकी कीमत 240 करोड़ रुपए है और इसका जो पुनर्वास है इसके बारे में भी ये 2021 में पूरा होगा। सबसे महत्वपूर्ण है ओखला और यहाँ में ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, 564 MLD 124 MGD इस STP का निर्माण और मौजूदा 136 MLD चरण 1, 55 MLD चरण 2, 204 MLD चरण 3 और 168 MLD चरण 4
और WWTPE का इसका टोटल काम, तो ये 665.78 यानी कर पकड़ लिए 670 करोड़ रुपए का काम है। इसकी निविदा लगभग फाइनल हुई है, जायका के अप्रूवल के लिए मिलने के बाद जिसका आज भूमि पूजन हुआ ये भी काम शुरू हो जाएगा। और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो जल शुद्धिकरण का, इसकी भी शुरुआत हो जाएगी। मुझे इस परियोजना का अवधि थोड़ा ज़्यादा है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि ये 7 साल का पीरियड दिया गया है, ये काम थोड़ा सा आप ताकत लगाकर जल निगम को और इनके साथ बैठकर ये करीब 3 साल के अंदर कैसे पूरा हो सकता है, इसका वॉर फुटिंग पर अगर आप करेंगे तो होगा, तो दिल्ली को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो मेरे पास मांग की थी कि ये जो इतना बड़ा 600 पानी MLD पानी निकलेगा, ये वो वजीराबाद में छोड़ना चाहते हैं, और ये पानी पीने लायक है, सिंगापुर में ये पानी पीते हैं, वर्ल्ड में पीते हैं। तो मैंने उनको कहा अगर आप ये मांग कर रहे हैं तो मैं वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की ओर से दिल्ली के लिए इस पानी के लिए आपको अनुमति दूंगा, और ये अनुमति भी दिल्ली के लिए एडिशनल वाटर मिलेंगे। 2018 में NMCG द्वारा एक DBOT डिज़ाइन बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र के आधार पर एक 66 करोड़ रुपए की राशि वाला SPS सीवरेज पंपिंग स्टेशन की एक परियोजना, उसका निर्माण छतरपुर नई दिल्ली में 9 विकेंद्रीकृत STP 22.5 MLD को अनुमोदन किया गया है। इसके अतिरिक्त यमुना नदी में प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए नमामि गंगा के हिस्से सहित कोरोनेशन पिलर का जो प्लांट है वो डिज़ाइन बिल्ट एंड ऑपरेट के आधार पर 10 वर्षों के लिए प्रचलन अनुरक्षण के लिए कार्यों सहित 318 MLD है। STP के निर्माण और पेरिफेरल सीवर लाइनों के कार्य के पुनरुद्धार का कार्य किया जा रहा है। 515 करोड़ रुपए का ये लागत है, और दिल्ली सरकार ने नमामि गंगा की ओर हमें मांग की थी, हमने उनको 207 करोड़ रुपए का योगदान इस प्रोजेक्ट में दिया है और इसके पैसे भी उनको ट्रांसफ़र किए हैं। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना 2017 चरण 1 के तहत यमुना नदी को साफ करने के अन्य उपाय को भी नमामि गंगे में 344.81 करोड़ रुपए की राशि को भी हमने दिल्ली में मंजूर किया है। इसमें आपको मालूम है कि नजफगढ़ नाला कैसा है, दिल्ली में नजफगढ़ नाला ढांसा से केशवपुर के कमांड क्षेत्रों में STP कार्य को स्वीकृति दी है। दिल्ली में यमुना नदी पर ट्रैक सीमर भी चलाए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ यमुना नदी पर हरियाणा में प्रदूषण निवारण करने के लिए हमने पानीपत और सोनीपत 10 शहरों को भी नमामि गंगे से पैसे दिए हैं, और कुल क्षमता 90 MLD और 130 करोड़ रुपए की योजना पानीपत में ये भी हमने पूरी की है, ताकि यमुना का वहाँ का गंदा पानी ना आए। और सोनीपत में 90 MLD ये करीब 90 करोड़ रुपए ये भी हमने दिए, और ये दोनों काम पूरे हुए हैं, इसकी मुझे खुशी है। हरियाणा के मुख्य परियोजना घटकों में से 70 MLD क्षमता की नई STP का निर्माण और 75 MLD क्षमता की मौजूदा STP का पुनरुद्धार शामिल है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 80 MLD क्षमता के 6 STP का भी निर्माण किया जा रहा है। केवल यमुना पर दिल्ली में काम नहीं हो रहा है, तो हम आगे भी कर रहे हैं, हरियाणा में ये योजनाएं कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में हम यमुना पर राज्य सरकार द्वारा 123 MLD क्षमता के 2 STP का भी निर्माण कर रहे हैं। और यमुना जहाँ जाती है इसके लिए भी हमने नमामि गंगे की तरफ से मथुरा में सीवरेज परियोजना का भी शुरुआत की है, जो 450 करोड़ रुपये की है। इसकी क्षमता करीब 70 MLD है, और यह हाइब्रिड NUT में है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी को मिला है, और ये पानी 40% हम हाइब्रिड NUT में ग्रांट दे रहे हैं, 60% वो प्राइवेटली त्रिवेणी इंजीनियरिंग लगा रहा है, और इसका जो शुद्ध जल होगा वो हर साल इंडियन ऑयल खरीदी करेगा मथुरा में, और 19 करोड़ रुपये देने वाला है। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, और महानगर पालिका के मेयरों को भी मेरा आह्वान है, DDA को भी है, कि दिल्ली के पूरे गार्डन्स को, दिल्ली के सभी स्कूलों को, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, दिल्ली के सभी स्टेडियम्स को, चाहे गवर्नमेंट है प्राइवेट है कहीं भी हो, दिल्ली के सभी बगीचों को आप ये रेड कलर का, मैंने नागपुर में स्कीम की है, आप रेड रंग के टैंकर तैयार करो, और फ्री ऑफ चार्ज पानी बांटकर ये पूरे दिल्ली के ग्रीनरी के लिए, गार्डन्स के लिए पानी लोगों को दो, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा।
और अभी जैसे मैंने कहा कि इंडियन ऑयल से पानी बेचकर 19 करोड़ मिल रहे हैं, और मुझे बता दें खुशी हो रही है कि हमने नागपुर में सबसे पहले देश में शुरुआत की, लोग मुझे हंसते थे। अभी हम 79 करोड़ रुपए हर साल टॉयलेट का पानी बेचकर हमारा इनकम हुआ है। तो ये पानी भी आप दिल्ली में बेच भी सकते हैं तो हम आपको अनुमति देंगे। आप इंडस्ट्री को बेचो, आप प्रीकास्ट के लिए बेचो, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बेचो, ताकि दिल्ली के प्रदूषण के लिए ये अच्छा होगा। ये मथुरा का प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा हाइब्रिड यूनिटी का, जिसका मुझे लगता है कि हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक निर्णय किया है कि वन सिटी वन ऑपरेटर, कानपुर से लेकर इलाहाबाद तक, क्योंकि महानगर पालिका नगर पालिका ये काम करने में उतनी प्रोफेशनल इफिशेंसी नहीं आती, और इसलिए जितना पानी शुद्ध होगा उतने पैसे मिलेंगे। तो स्वाभाविक रूप से इसमें हमने आईटी का उपयोग करके सोफिस्टिकेटेड सिस्टम भी तैयार किए हैं, ताकि हम रोज़ पानी को चेक कर सकें, और मुझे लगता है कि इसके कारण भी क्वालिटी पानी की अच्छी रहेगी। और ये 15-15 साल के लिए यमुना का वो प्राइवेट वाला ही मेंटेन करेगा, उसी की जिम्मेदारी होगी, और इसलिए सब जगह पर हमने जिम्मेदारी ऑपरेटर पे दी है। मुझे लगता है ये योजना दिल्ली के लिए भी फायदे की होगी। मैं वृंदावन में भी और 33.81 करोड़ के 5 MLD के हम नए STP के निर्माण को हमने मंजूरी दी है। वृंदावन की क्षमता फिर 13 MLD हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यमुना नदी पर कुछ शहरों की पहचान की गई है। देखो, यमुना को शुद्ध करने के लिए, गंगा को शुद्ध करने के लिए हम कहाँ कहाँ घुसे हैं। यहाँ हम लोग इटावा, बागपत और फिरोजाबाद, यहाँ भी हमने मंजूरी दी है, यहाँ भी हम लोग प्रदूषण से गंगा को रोकेंगे। और ताजमहल के किनारे पर यमुना में हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए नमामि गंगे ने एक बहुत बड़ी परियोजना को स्वीकृति दी है, और अनुमानित लागत 900 करोड़ रुपए है। और आज मैं घोषित करता हूँ कि आगरा के लिए इस योजना को मंजूरी दे रहा हूँ, जिसमें 180 MLD का STP और 17.61 किलोमीटर का सीवेज नेटवर्क बनेगा। बीच में इसकी भी कोर्ट में केस हुई थी, और सीवेज नेटवर्क के साथ आगरा भी शुद्ध होगा। हिमाचल में यमुना पर पोंटा से शाप करने के लिए भी 11.57 करोड़ रुपए की योजना को हमने स्वीकृति दी है। मुझे खुशी है कि ये सब योजनाएं जो है ये अंतिम तक गंगा को शुद्ध करेगी। जल प्रदूषण का ये जो काम है, इसमें और एक अच्छी बात है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को और DDA को अनुरोध करूँगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, अब इसमें नई फिलॉसफी है, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। तो ये जितने प्रोजेक्ट हम डाल रहे हैं, इस पानी से मिथेन निकलता है, मिथेन से CO2 अलग करके बायो CNG निकलता है, और दिल्ली की जितनी परियोजना है उससे अगर बायो CNG निकलेगा, क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखता हूँ, तो दिल्ली की 1000 से 1500 बसेस का बायो CNG ये गंदे पानी से मिलेगा, यानी आम के आम गुठली के दाम। तो ये प्रोजेक्ट अगर आप चलाएंगे तो हम उसके लिए पूरा सहयोग करेंगे। जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा था कि जल प्रदूषण का हुआ, वैसे दिल्ली का एयर पोल्यूशन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली हमारी राजधानी है, और बीच में हमने इसका एक स्टडी किया था, और उसमें दिल्ली में ट्रैफिक जाम, वाहन प्रदूषण, मैं भी उसका भुगत भुगी हूँ। रोज़ हवाई जहाज से आने के बाद वो जो धौला कुआ, वहाँ आधा घंटा लटकता हूँ। और एक दिन मैंने इतना मेरा समय खराब हुआ कि ऑफिस में आकर मैंने बुलाया तो बोले रोड जहाँ ब्रिज उतरता है वहाँ NHI ख़त्म होता है। तो मैंने बोला रिक्वेस्ट करो आगे का रोड ले लो और धौला कुआ को सुधारो, नहीं तो मेरी ज़िंदगी रोज़ एक साल रोज़ दो महीने यही जाएगी। तो मेरे कारण नहीं, पर दिल्ली की जनता को भी कितनी तकलीफ होती होगी, और इसलिए धौला कुआ का काम हमने लिया है, वो भी काम अब जोरों में शुरू है। दिल्ली NCR में ट्रैफिक को कम करने के लिए, और दिल्ली हमारे देश का दिल है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली को स्पेशल प्रायोरिटी दो, और इसलिए दिल्ली में मेरे डिपार्टमेंट की ओर से हमने 50,000 करोड़ के काम हमने लेने का निर्णय किया। दिल्ली का एक ट्रैफिक का भी स्टडी किया है। दिल्ली में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जहाँ 5.5 लाख वाहन रोज चलते हैं, इसमें 1.5 लाख कमर्शियल व्हीकल है। और आपको पता होगा कि जो योजना हमने बनाई है, अभी अश्विन ने बताया, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये हमारा है, आधा हरियाणा ने बनाया है, 135 किलोमीटर 10,000 करोड़ ये काम हमने पूरा किया है। द्वारका एक्सप्रेसवे 28 किलोमीटर 6,000 करोड़ टेंडर निकल गए हैं, 3 को वर्क ऑर्डर दिया है, आने वाले 15 दिन महीने भर में इसका शुभारंभ करेंगे। अक्षरधाम लोनी बागपत दिल्ली सहारनपुर,
150 किलोमीटर है, 10,000 करोड़ का काम है। इसका टेंडर अब आने वाले 15-20 दिन में निकालेंगे और इस कार्य का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली मेरठ आने के लिए 4.5 घंटे लगते हैं। मैं विश्वास देता हूँ कि मार्च अप्रैल के बाद आप केवल 40 मिनट में दिल्ली से मेरठ आएंगे। ये 90 किलोमीटर है और इसकी कीमत 7,000 करोड़ है और उसमें से पहले 14 लेन का जो हाईवे है जो बना है, जो आज का आपको फ़ायदा मिलता ही है, वो हमने पूरा कर लिया और दिल्ली मेरठ का काम रात दिन शुरू है। UER फेज़ 2 ये न्यू रिंग रोड है, इसमें मुख्यमंत्री जी का और LG का हमको सहयोग चाहिए। ये काम 4,000 करोड़ का, इसमें लैंड एक्विजिशन करने में जैसे भी होगा ये हम पूरा करने की जिम्मेदारी हमने ली है, क्योंकि हमारे MP यहाँ बैठे परवेश जी, इन्होंने मुझे इसका बहुत पीछे लगे और आखिर ये जिम्मेदारी हमने ली और इसका भी काम हमने 4,000 करोड़ का करने का पूरा किया है। पर वो इंक्रोचमेंट और जगह लोगों को करने का अल्टरनेटिव आप देने वाले हैं, वो काम शुरू है, वो पूरा करेंगे तो तुरंत इसका टेंडर निकालेंगे। मुकरबा चौक से पानीपत 2,300 करोड़ रुपये का काम जोरों में शुरू है, जल्दी पूरा हो जाएगा। धवलाकुआ एयरपोर्ट कॉरिडोर मार्च एंड तक पूरा होगा, 280 करोड़ का। और एक कालिंदी कुंज फरीदाबाद और बल्लभगढ़ सोहना, ये 60 किलोमीटर का 4,000 करोड़ का काम है। उत्तर प्रदेश के सरकार ने नहर के बाजू की जमीन देने के बारे में कहा था और उसके लिए दिल्ली के सरकार ने भी हमको बहुत सहयोग किया है और ये भी रोड अप इसका भी काम हम शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों के ज़मीन से ये काम पूरा होगा। ये 47,000 करोड़ के काम है, ये 50,000 करोड़ तक चले जाएंगे और मेरा विश्वास है कि इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। भारत सरकार ने एक अच्छा निर्णय किया है कि जो परली है उससे जलाने के बजाय उससे इथेनॉल बनता है। एक टन परली से 280 लीटर इथेनॉल बनता है और ये मेरी बात को आप कंसल्टेंट जैसी मानिए, मैं बायोफ्यूल का बहुत एक्सपर्ट हूँ। और अभी मैंने हमारे यहाँ ये परली से हमने बायो CNG बनाया IIT के इंजीनियर पुणे में, और उससे 18 साल पुराना ट्रैक्टर, उसकी किट लाकर अभी ट्रैक्टर भी चलने लगा। तो परली जलाइए मत, परली से इथेनॉल बनाइए, बायो CNG बनाइए, ताकि किसानों को भी इसका फायदा होगा, रोजगार का भी निर्माण होगा और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री। मेरा विश्वास है कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों को मुक्ति देना ये केवल एक कोई एजेंसी काम नहीं कर सकती, इसमें भारत सरकार भी है, हर्षवर्धन जी की मिनिस्ट्री है, दिल्ली की महानगर पालिका DDA है और दिल्ली की राज्य सरकार है, और सबसे बड़ा सहयोग दिल्ली की जनता का चाहिए। और जब तक ये सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट और एयर पोल्यूशन इनको साइंटिफिक रूप से एड्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक दिल्ली के प्रदूषण की जो स्थिति है वो नहीं सुधरेगी। उसको सुधारने में एक अच्छी बड़ी स्टेप आज ली गई है और जल प्रदूषण में गंगा को प्रदूषण से मुक्ति देने के इस कार्य का आज शुभारंभ हुआ है। ये करीब 2,500 करोड़ के प्रोजेक्ट है, 1,600 करोड़ जो है वो जायका के हैं, करीब 4,500 करोड़ केवल दिल्ली के लिए खर्चा हो रहे हैं और इसमें से दिल्ली की यमुना जो है उसका प्रदूषण कम होगा। और मैं और दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन DDO और राज्य सरकार को कहूँगा कि यमुना में जाने वाले और भी कोई नाले आपको दिखते जो इससे छूटे होंगे, हमारे सांसद और MLA जो है उनको भी आह्वान करूँगा और उसको भी रोकने के लिए अगर छूटे होंगे तो प्रस्ताव हमको बताइए, हम जरूर नमामि गंगा की ओर से यमुना को शुद्ध करना, गंगा को शुद्ध करना, ये जो हमारा मिशन है और उसको पूरा करने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, इसमें जहाँ भी ऐसी आवश्यकता होगी हम जरूर सहयोग करेंगे। मैं फिर से एक बार दिल्ली की जनता को और आप सबको, मंच पर बैठे हुए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पिछले अनेक दिनों से एक कार्यक्रम का शुभारंभ करना था और सबके आप सबके सहयोग से और आप सबकी सहकार्य से, जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा है कि हमारी सरकार विकास के कामों के साथ राजनीति नहीं करेगी और इसके साथ दिल्ली को शुद्ध और स्वच्छ प्रदूषण से मुक्ति देने के लिए पूरी तरह सबको सहयोग करेगी और ये पूरी तरह काम हम टाइम बाउंड पूरा करके दिल्ली की जनता को जल और वायु प्रदूषण से मुक्ति देने का काम करेंगे। वैसे मैं काम नहीं होता तो मैं फटकारने के लिए भी कभी डरता नहीं और मैं किसी की कभी चिंता भी नहीं करता हूँ, पर गंगा के बारे में मुझे जब मैं रिव्यू लेता हूँ राज्यों का, तो मेरे हमारे सेक्रेटरी UP सिंह,
हमारे डायरेक्टर मिश्रा और इनके टीम ने डेडिकेटेड रात दिन पिछले 6 महीने में इतना काम किया है, इतनी मेहनत की है, और ये फटाफट इतना आसान नहीं था, और ये मिलकर इन्होंने एक एक चीज़ का, क्योंकि मैं राज्यों के साथ 5-5 बार 7-7 बार बैठता हूँ और अधिकारियों और मंत्रियों को भी फिर मैं फटकारता हूँ कि तुम इतने दिन के अंदर नहीं हुआ तो याद रखो, और ये इतनी मेहनत हुई, इतना फॉलोअप हुआ है, और कभी कभी मैं नाराज़ भी होता था कि ये बिल्कुल ठीक नहीं, पहले मुझे इस तारीख के अंदर चाहिए, तो ये परिश्रम और मेहनत करके मैंने उनको कहा था कि दिसंबर तक सब कामों के टेंडर निकालो, जो ऑब्स्टेकल से दूर करो, और मुझे इस बात की खुशी है लगभग 5-10% रहा होगा पूरा, अभी नए प्रोजेक्ट हमने आइडेंटिफाई किए, इटावा आगरा वो भी मंजूरी दी है, DPR बने वो भी मंजूरी दी, तो इन लोगों ने रात दिन काम किया, एक बार आप हमारे सेक्रेटरी, हमारे DG और हमारे सभी सहयोगियों के लिए बहुत बार उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभेच्छाएं देता हूँ, ये काफ़ी काम होगा, और इन सब प्रयासों से मार्च अप्रैल एंड तक गंगा 70% शुद्ध होगी, और इसके बाद के मार्च में 100% गंगा शुद्ध होगी। आदरणीय श्री सत्यपाल जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, मंच पे मौजूद श्री UB सिंह साहब मिश्रा जी और सभागार में मौजूद सांसदगण, विधायकगण, सभी ऑफिसर्स और दिल्ली से के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज का ये कार्यक्रम मेरे लिए दो कारणों से बेहद महत्वपूर्ण है और दो कारणों से मैं बेहद खुश हूँ आज इस कार्यक्रम की वजह से। पहला कि आज यमुना की सफाई को लेके कई सारे प्रोजेक्ट्स, उनका एक तरह से फाउंडेशन ले किया जा रहा है, लेकिन वो काफ़ी दिनों से चल भी रहे थे और अलग अलग प्रोजेक्ट्स अलग अलग स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे हैं, तो आज यमुना की सफाई को लेके बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है। और दूसरा कारण कि हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ये जो कार्यक्रम आज हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने भी कहा और डॉक्टर माननीय नितिन गडकरी जी ने भी कहा कि विकास के कार्यों के साथ कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, और इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि नितिन गडकरी जी के साथ पिछले जब से हमारी सरकार बनी है हम लोग काम कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी ने आज तक कभी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि वो दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टी से हैं और हम दूसरी पार्टी से हैं। राजनीति अगर हो तो राजनीति केवल चुनाव तक होनी चाहिए, चुनाव के बाद जनता जिसकी भी सरकार बना के भेजे, केंद्र में चाहे जिसकी भी सरकार हो, राज्य में चाहे जिसकी भी सरकार हो, उन सभी सरकारों को आपस में मिलके काम करें, तभी देश प्रगति कर सकता है, तभी देश आगे बढ़ सकता है। इसी तरह से दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के अन्य विभागों के साथ भी मिलके काम करना चाहती है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसी तरह से पॉजिटिव स्पिरिट के अंदर हम लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। आज यमुना की सफाई के ऊपर हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स आज यमुना की सफाई के लिए पास किए गए हैं। यमुना दिल्ली की लाइफलाइन है, यमुना दिल्ली के लिए बहुत, और दिल्ली ने देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जैसा अभी बताया सभी स्पीकर्स ने कि इतने लंबे यमुना के स्ट्रेच पे केवल दिल्ली का ये वज़ीराबाद से ओखला के बीच का 22 किलोमीटर वाला जो स्ट्रेच है ये पूरी यमुना को गंदा कर देता है। इसमें खूब सारे नाले बहते हैं, खूब सारे नाले जाते हैं, और इसकी वजह से पूरी यमुना गंदी होती है। केवल जल प्रदूषण को हमें कंट्रोल नहीं करना,
अगर यमुना साफ होगी, यमुना के साथ लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, यमुना साफ होगी तो एक टूरिस्ट प्लेस बनेगी, यमुना साफ होगी तो पूरी दिल्ली के लिए गौरव की बात बनेगी। तो हम सब लोगों को मिलकर यमुना को साफ करना है, और आज जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पास किए जा रहे हैं ये यमुना को साफ करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के अंदर सीवर का बहुत बुरा हाल हुआ करता था, सीवर सारा नालियों के अंदर बहा करता था। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के अंदर, दिल्ली में लगभग 40-50% दिल्ली में सीवर की व्यवस्था नहीं है, आधी से ज़्यादा दिल्ली के अंदर सीवर की व्यवस्था नहीं है। इस पूरी दिल्ली के अंदर सबसे पहले सीवर की पाइपलाइनें भेजना और उस सारे सीवर को फिर सफाई करना और फिर उस पानी को या तो यमुना में बहाना और या फिर उस सारे पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पिछले 3-4 साल के अंदर हम लोगों ने दिल्ली की 300 से ज़्यादा कच्ची कॉलोनियों के अंदर सीवर की पाइपलाइन भेजी है, घर घर के अंदर हम लोगों ने सीवर पहुँचाया है। सीवर के डेवलपमेंट चार्जेस को 80% कम किया ताकि लोग आसानी से सीवर ले सकें, नहीं तो कई बार सीवर की पाइपलाइन बिछा दी जाती है और लोग फिर भी ज़्यादा पैसे होने की वजह से सीवर की कनेक्शन नहीं लेते। अब पूरी दिल्ली के अंदर जितनी बची हुई कॉलोनियाँ हैं उन सारी कॉलोनियों को भी सीवर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, और अगले 2 साल के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली की सारी बची हुई कॉलोनियों को सीवर के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जितना सीवर है, जितना मल है, ये एसटीपी में जाया करेगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर जाया करेगा। और जो आज इतने बड़े बड़े हम सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स का उद्घाटन कर रहे हैं, इनसे साफ होने के बाद जो पानी निकलेगा, हमारी प्लानिंग है कि इस पानी को वेस्ट ना किया जाए। दिल्ली के अंदर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, दिल्ली को आज 900 MGD के करीब पानी मिल रहा है, लेकिन ये 900 MGD का पानी 1996 में तय किया गया था जब दिल्ली की जनसंख्या 1 करोड़ थी। आज दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ के ऊपर हो गई है, और लेकिन हमारे पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो उतनी है जितनी 1996 में तय की गई थी। तो एक मेरा, चूँकि नितिन गडकरी जी वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर भी हैं, मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी, दिल्ली देश की राजधानी है और लोगों को पीने के पानी की भी ज़रूरत है, तो 1996 के अंदर जो पानी तय किया गया था, आज दिल्ली की जनसंख्या डबल हो चुकी है, तो दिल्ली को और भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इस दिशा में भी कुछ आप सहयोग कर सकें तो बहुत मदद मिलेगी, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो एसटीपीज़ का पानी है, आपने सुझाव दिया कि इन एसटीपीज़ के पानी को हम स्कूलों में और अलग अलग संस्थाओं के पार्क्स में इस्तेमाल करें, वो हम करने जा रहे हैं, उसकी हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की है। लेकिन उसके साथ साथ अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने अनाउंस किया कि दिल्ली के अंदर 250 झील बनाई जाएंगी, लेक्स बनाई जाएंगी पूरी दिल्ली के अंदर। उन 250 झीलों के अंदर भी इस पानी को इस्तेमाल किया जाएगा। आज ही उसमें से एक लेक का सुबह मैं दौरा करके आया। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे इलाकों के अंदर जो सीवर्ड नहीं है, वहाँ पे या तो नालों में पानी बहता है या पास में कोई जौड़ है और उसके अंदर सारा गंदा पानी जाके उसके अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है और उसके अंदर मच्छर मक्खी बनते रहते हैं। आज ही हम एक झुग्गी क्लस्टर का वो देख के आए हैं, वो पूरा जोड़ साफ कर दिया गया, एक मिनी एसटीपी, छोटा एसटीपी वहाँ लगा दिया गया, और उस एसटीपी से सारा वहाँ का जो मल है वो साफ करके उस जोड़ के अंदर वो सारा साफ पानी जा रहा है, और अब वो जोड़ जो है वो एक झील के रूप में कन्वर्ट हो गया है। और आसपास का सारे इलाके में झूले लगाए जाएंगे, ओपन जिम लगाए जाएंगे, तो जो एरिया पहले बहुत गंदगी भरा होता था और जहाँ से मच्छर मक्खी फैला करते थे, अब वहाँ पे लोग सुबह शाम वॉक करने के लिए जाएंगे और वो उसकी पूरी लैंडस्केपिंग की जा रही है। इससे पानी का, वाटर का रिचार्ज भी होगा, और हो सकता है कि हम अगर वाटर टेबल राइज कर गया तो पास में हम वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम व्यवस्था कर सकें। हमारे लिए यमुना को साफ करना दिल्ली सरकार के लिए बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है। आप लोग सिग्नेचर ब्रिज देखने गए होंगे,
अब सिग्नेचर ब्रिज का जो टॉप वाला पोर्शन है वो भी कुछ दिनों के अंदर खुलने वाला है, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि जब आप उसके टॉप पे जाके देखोगे तो नीचे साफ यमुना की बजाय नजफगढ़ ड्रेन दिखाई देती है। हम चाहते हैं कि यमुना जल्दी से जल्दी साफ हो, ताकि जब आप ऊपर सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर जाके देखें तो उसमें नीचे आपको साफ सुथरी यमुना दिखाई दे। एयर पोल्यूशन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोग स्वस्थ रहें, लेकिन एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। हवा केवल एक राज्य तक सीमित नहीं होती। इसमें भी जैसा अभी गडकरी साहब ने कहा कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि अब पराली को जलाया नहीं जाएगा, उससे बायोमास फ्यूल बनाया जाएगा। ये दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में लगभग 20 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक का एक महीना दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है, क्योंकि आसपास के राज्यों से सारी पराली का धुआं इधर आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल पराली जलाना बंद हो जाएगा और उसको उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उसको बायोमास फ्यूल के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए और भी बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है, मिलके कदम उठाने की ज़रूरत है। जिस स्पिरिट के साथ आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिस स्पिरिट के साथ हम गडकरी के साहब के साथ काम करते रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी स्पिरिट के साथ केंद्र सरकार के साथ हमें काम करने का मौका मिलेगा, ताकि दिल्ली और दिल्ली के लोगों का विकास हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं तरंग डिवोशनल, आध्यात्म से जुड़े। विजन टीवी देख रहे हैं इनका सबको, दर्शकों को मैं यही बोलना चाहता हूं कि आगे जो आने वाले हमारे कंपटीशन है, मेरे लिए कीजिए प्रेयर कीजिए, क्योंकि जो आगे वाले काफ़ी हार्ड कंपटीशन टफ है, तो सभी मेरे लिए प्रेयर कीजिए कि आगे वाले कंपटीशन है उसमें अच्छा करूँ मैं। विजन टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। Download Tarang online radio app from Google Play Store. Vision TV जिन्ने भी लोग देख रहे हैं इन्हें सारे ने बहुत दिलों मतलब धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे लिए करो दुआ करो कि अगले जो आने वाले कॉम्पीटिशन है इस काफ़ी करिए वधिया करिए, अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप है मैं उम्मीद करता कि उस मैं बेस्ट ऑफ सिक्स में आऊँगा, तो सभी मेरे लिए करना दुआ करना। थैंक यू Vision TV।
You are listening to Tarang Devotional Online Radio.